तो पहला शेर जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वो माँ के लिए करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम कम है और वर्ड बहुत हैं, तो इसलिए सबसे पहले अपने वर्डों को ही चुन लिया जाए। के मंजरे खुदा, के मंजरे खुदा तेरी दुनिया में ना यूं कभी नीलाम होगा, के मंजरे खुदा तेरी दुनिया में ना यूं कभी नीलाम होगा, और जिस खुदा ने खुद ही रख दी माँ के पैरों तले जन्नत, सोचो उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा। और एक और पेश करना चाहूंगा कि मुझे रात भर नींद नहीं आती ए गालिब, कि मुझे रात भर नींद नहीं आती ए गालिब, और उस शख्स को मैंने दिन में सोते देखा है, कि मुझे रात भर नींद नहीं आती ए गालिब, और उस शख्स को मैंने दिन में सोते देखा है, और जो कभी मेरी खामोशी पर भी रो दिया करता था, और जो कभी मेरी खामोशी पर भी रो दिया करता था, आज अपने जख्मों पे हंसते देखा है, और यूं तो अक्सर बैठकर तन्हाई में हम रो लिया करते हैं, लोगों ने तो सिर्फ हमें महफिल में हंसते देखा है। और ये जो आजकल रेप वगैरह चल रहे हैं इस पे लिखी थी कुछ पंक्तियाँ, अर्ज करना चाहूँगा अगर मैं समझाया पाया कि आजकल क्या क्या हो रहा है, और ये मोहब्बत में भी आजकल लोग फ्रॉड ही कर रहे हैं। मोहब्बत के सारे दावे, मोहब्बत के सारे दावे झूठे नज़र आने लगे, मोहब्बत के सारे दावे झूठे नज़र आने लगे, और प्यार के नाम पर दरिंदे जिस्म को नोच कर खाने लगे, के प्यार के नाम पर दरिंदे जिस्म को नोच कर खाने लगे, और वो भूल गए जिस जिस्म से उसने जन्म लिया, वो भूल गए जिस जिस्म से उसने जन्म लिया, रब राम रहीम की इस पावन मिट्टी पर अब चारों तरफ मुझे हैवान नजर आने लगे। और अगली कहना चाहूंगा वो उनके लिए है जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके लिए लिखी है कि अपनी ख्वाहिशों के परिंदों को इतना मत उड़ा, कि अपने ख्वाहिशों के परिंदों को इतना मत उड़ा कि जब तू जमी पर गिरे तो जमी की मिट्टी भी तुम में मिलने से तौबा कर दे। और एक और सुनाना चाहूंगा, मैंने कॉलेज टाइम में लिखी थी, जैसी भी लिखी आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कि तुमने अपने चेहरे पर ये दुपट्टा बड़ा अनमोल रखा है, कि तुमने अपने चेहरे पर ये दुपट्टा बड़ा अनमोल रखा है, अरे यही निगाहें तो तुम्हारी कातिल है और ये नहीं खोल रखा है। कहते हैं बात मोहब्बत की हो और रकीब का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि आजाद कर दे मुझे अपने मोहब्बत के कैद खाने से, के शब्दों को समझिएगा कि मैं कहां किस स्टैंड पे खड़ा होके लिखा है ये, कि आजाद कर दे मुझे अपने मोहब्बत के कैद खाने से, और मर मर के जी रहे हैं इसी फसाने से, और सुना है आजकल उनकी रकीबों से मुलाकात हुआ करती है सारी रात बाहों में लेकर, कि आजाद कर दे मुझे अपने मोहब्बत के कैद खाने से, और मर मर के जी रहे हैं इसी बहाने से, और सुना है आजकल उनकी रकीबों से मुलाकात हुआ करती है सारी रात बाहों में लेकर, कभी हमारी आंखों के आंसू सूख जाते थे उन्हें मनाने में। और एक और रकीब का पेश करना चाहूंगा, कि मेरे अपने ही मेरे जज्बात तोड़ दिया करते हैं, मेरे अपने ही मेरे जज्बात तोड़ दिया करते हैं, और वो इतने बेशरम हैं कि हमारे सामने ही रकीबों की बात किया करते हैं, और बताते रहते हैं वो हमें उनके छूने का अंदाज, और बताते रहते हैं वो हमें उनके छूने का अंदाज, और महफिल में बैठकर हमारे सामने मोहब्बत की बात किया करते हैं। एक और कहना चाहूंगा, ये उसके लिए है कि जब इंसान फर्स्ट टाइम किसी से मिलने जाता है और उस माहौल को देखो, मैंने कैसे सुंदर लपेटे में लिखा है, कि मंजर वो क्या होगा, मंजर वो क्या होगा सामने जब वो मेरे होगा, कि मंजर वो क्या होगा
सामने जब वो मेरे होगा और कप कपाते हाथों से जब मैंने उसे छुआ होगा, कि कप कपाते हाथों से जब मैंने उसे छुआ होगा और थिरकने लगे होंगे लब उसके भी, और थिरकने लगे होंगे लब उसके भी जब उसने हाँ को ना कहा होगा। और एक छोटी सी और है, वो भी कहना चाहूंगा कि रो रो कर आंखों में तार लाल था उसका, रो रो कर आंखों में तार लाल था उसका, और बीमार थी वो पूछना हाल था उसका, और मेरी बेबसी तो देखो कि मैं पूछ ना पाया, कि मेरी बेबसी तो देखो मैं पूछ ना पाया कि क्या हाल था उसका। और एक लास्ट और कहना चाहूंगा, इस सादगी में यूं ना अपनी पलके झुकाओ, इस सादगी में यूं ना अपनी पलके झुकाओ, अदब वहां होता है और खलल यहां होता है। थैंक यू सो मच TRD का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। थैंक यू सो मच, रब रखा।